व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल लवर। आज का टॉपिक बड़ा ही शानदार रहने वाला है। टॉपिक का नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो क्या होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कहां से ये निकल कर आई है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान में आप लोग बोलिए इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है तो कहां पर लिखा हुआ है, और क्या ये स्टार्टिंग से ही हमारे संविधान में थी या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इनको हमारे संविधान में डाला गया है, क्या क्या इनके प्रोविजन होते हैं, क्या क्या इनके फीचर्स होते हैं, पूरा डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं इसके बारे में। और क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके अमेंडमेंट के बारे में, जब इसको अमेंडमेंट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। ये अभी लेटेस्ट ही आप लोगों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा कि लेटेस्ट अभी ये डेवलपमेंट है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में इनको डाला गया है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, काफी शानदार लेक्चर रहने वाला है यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को वर्ड से यहाँ पर देखूं, इसका जो नाम यहाँ पर दिया गया है मैं इसको थोड़ा डिवाइड कर दूं। ये आप लोग देखिए, यहाँ पर हो गया कोऑपरेटिव और ये हो गया सोसाइटीज। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहयोगी, मतलब, और सोसाइटी का मतलब होता है सोसाइटी। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो सहयोगी सोसाइटी, एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा तबका जो मिलकर साथ में आ जाता है और एक दूसरे का सहयोग करता है, ये होता है सहयोगी सोसाइटी। तो मोटे मोटे भाषा में तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। अगर थोड़ा दूसरे शब्दों में मैं आप लोगों को बताना चाहूं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं इंटरमीडिएटरी जो कोई रहता है उसको दूर करने का ये काम करते हैं। मतलब अगर आप लोग किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आप लोग जाने, वहां पर छोटे छोटे कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मतलब क्या होता है, मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में आप लोगों को देखने को मिलेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर ली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर ली, जो पेन कॉपी रजिस्टर्स होते हैं वो यहां पर आकर उनको बेचा करेंगे। किस तरीके से बेचेंगे, मान लीजिए डायरेक्ट ये डायरेक्ट उठा रहे हैं मैन्युफैक्चरर से, जहां बनाई जाती है वहां से लाकर डायरेक्ट इनको आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये यहां पर कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जो मार्केट में प्राइस होता है, मान लीजिए पेन कॉपी का मार्केट में प्राइस आप लोगों को देखने को मिला है, पेन मिल रहा है आप लोगों को 10 रुपए का और कॉपी देखने को मिल रही है आप लोगों को कम से कम 30 या 35 रुपए की। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पेन का प्राइस आप लोगों को लगभग 5 रुपए मिलेगा और कॉपी का प्राइस लगभग 10 से 15 रुपीज मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को यहां पर फायदा होता है, कहीं ना कहीं बिचौलियों को हटा देते हैं ये बीच में से, और उस तरीके से यहां पर ये वर्क करते हुए नजर आते हैं, ग्रुप के फॉर्म में आ जाते हैं और इस तरीके से ये वर्क करते हुए यहां पर नजर आते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आप लोगों को आम भाषा में समझाना या फिर बोलेगी मोटे मोटे शब्दों में बताना। अब टोटल इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क और टोटल देख लेते हैं कहां से निकल कर आई है, पूरा फ्रेम के तहत इसको समझ लेते हैं। मुझे आशा है कि एक आइडिया तो आप लोगों के माइंड में लग ही गया होगा। अब आगे चलते हैं, बात करें अगर आप लोग पुराने टाइम से इसको देखा जाए थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल बेनिफिट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट के रूप में एक दूसरे का, मतलब जो बना रहे हैं उसको भी फायदा है और जिससे ये सप्लाई कर रहे हैं चीजें उसको भी फायदा है। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से यहाँ पर फायदा आप लोगों को नजर आएगा। नॉर्मली इस तरीके का आप लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को ट्राइबल कम्युनिटी में देखने को मिलेगी, वहां से इसकी स्ट्रक्चर आप लोग बोल सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, क्या क्या चीजें होती है। ट्राइबल कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं ना, कहीं ना कहीं आप लोग इसको बोल सकते हैं कि वो कोऑपरेटिव का ही काम करते हैं। एक आप उसको भी उदाहरण लेकर यहाँ पर एक और जो ऑर्गेनाइज है वो इस तरीके से आप लोग उसको भी बोल सकते हैं। और अगर इसको मॉडर्न फॉर्म में मैं बोलूं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर रॉबर्ट ओवन, इनके द्वारा यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया था 1971, इसको स्टार्ट किया गया था इनके द्वारा, जिनका डेट ऑफ बर्थ आप लोग देखते हैं 1971 से और 1858 तक ये रहे हैं। तो इनको एक सोशल रिफॉर्मर भी और इनको कोऑपरेटिव सोसाइटी के पायनियर भी इनको बोला जाता है। मतलब इन्हीं के द्वारा कहीं ना कहीं जो मॉडर्न कंट्री है, मॉडर्न वर्ल्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा गया था। तो इनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं, अगर कोई पूछे तो आप लोगों को आराम से बता पाएंगे हाँ निकल के कहां से आई है। तो आइए अब आगे चलते हैं, थोड़ा डेफिनेशन आप लोग समझ लीजिए, जो आप लोगों को नॉर्मल अगर आप लोगों से पूछे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, उसकी डेफिनेशन आप लोग यहां देख सकते हैं। एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, मतलब कहने का मतलब यह है कोई भी यहां पर ऐसा नहीं होता है किसी का दबाव में आकर, किसी को आकर यहां पर लगना है, अपनी मर्जी से आकर इसमें आदमी जुड़ते हैं। वॉलंटरी एसोसिएशन होती है जिसमें आकर वर्क करते हैं, कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव रहता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना अभी कि मान लीजिए कॉलेज में एक कोऑपरेटिव यहां पर खोल ली उन्होंने, तो एक तरीके से क्या है, एक या 1.5 रुपया उनका भी बेनिफिट हो गया और जो कॉलेज में स्कूल में जो भी बच्चे हैं उनको भी फायदा हो गया, तो सबका फायदा हो गया यहां पर मिलकर अगर देखा जाए तो। तो एक तरीके सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है यहाँ पर, एक आप लोगों को देखने को मिलेगा, और सेल्फ हेल्प और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगी। कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रुपए इन्होंने कमा लिया, बहुत ज्यादा पैसा इन्होंने कमा लिया, बस एक म्यूचुअल बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो एक तरीके से आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी पुलिंग इंडिविजुअल रिसोर्सेज की, जो कि ग्रुप के वेलफेयर के लिए यहाँ पर रिसोर्सेज इकट्ठा किया जाता है। पहले इन्होंने कोऑपरेटिव जब खोली होगी तो स्टार्टिंग में इन्होंने अपना खुद से कुछ पैसा लगाया होगा, मतलब पहले इन्होंने सामान लेके आए होंगे, जो भी कॉपी पेन पेंसिल है उसके बाद में बेचना स्टार्ट किया होगा ना। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अपनी सारी
प्रॉपर्टी लगा देते हैं, लगाकर एक पार्ट ऑफ द अपना जो इनकम होती है अपना जो कहीं से भी कमा रहे हैं उसका एक पार्ट यहां पर लगाया जाता है और फिर उसी के बेस में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहां पर इनको फायदा होता है। उसी के बेस में इनका फिर जो भी यहां पर प्रॉफिट निकलता है थोड़ा बहुत, मान लीजिए 10 रुपए का पेन था वो 5 रुपए बेच रहे हैं, 1 रुपए का इनका बेनिफिट हो गया, तो उसी तरीके से यहां पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, कॉमन बेनिफिट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है सबका। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब म्यूचुअल बेनिफिट है, मतलब दोनों का बेनिफिट है जहां जिसके लिए लाया जा रहा है और खासकर जो ला रहा है, तो दोनों ही तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से एक सहयोगी सोसाइटी का कॉन्सेप्ट यहां पर निकल के आता है। अब थोड़ा सा अपना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहां पर रखी गई है और किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनको इंसर्ट किया गया, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहां पर निकल के आता है। तो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा, ज्यादा पुरानी नहीं है, लेटेस्ट डेवलपमेंट है, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2011 में। तो ये संशोधन 2011 में किया गया, इसके हिसाब से यहां पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट डाला गया। ओके, अब कहां कहां पे ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके बारे में, जो क्या 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 प्रोविजन किए गए ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए तो इसको एक फंडामेंटल राइट बनाया गया, मतलब आप लोगों से पूछा जा सकता है कि क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी एक फंडामेंटल राइट है, क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बनाया जा सकता है यहां पर। जी हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक फंडामेंटल राइट है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं, तो ये एक फंडामेंटल राइट के तौर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 19 के तहत। ओके, आर्टिकल 19 के तहत और भी कई सारी चीजें मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई थी जब फंडामेंटल राइट पढ़ा रहा था, नीचे बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने फंडामेंटल राइट 19 के तहत, क्योंकि इसके ऊपर मैंने कंप्लीट एक लेक्चर लिया था, मुझे याद है पूरा। ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो फंडामेंटल राइट बनाया गया आर्टिकल 19 के तहत, तो आप फर्स्ट पॉइंट तो आप लोगों को यही याद रखना है। सेकंड पॉइंट ये फंडामेंटल राइट है, यहाँ पर डीपीएसपी में भी चेंज किया गया, डीपीएसपी आप लोगों को देखने को मिलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पहले तो किस पार्ट में आते हैं, पार्ट 4 में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, आर्टिकल 36 से आप लोगों को देखने को मिलेंगे 51 तक, क्योंकि 12 से 35 तक आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं पार्ट 3 में। वो सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसलिए पूरा लेक्चर देखना है वो जाकर देख सकते हैं, वीडियो के नीचे सारे लेक्चर्स के लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, यहां पर अगर बात की जाए तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों जगह आप लोगों को चेंज देखने को मिलेगा। यहां पर आर्टिकल 19 में आप लोगों को यहां पर फंडामेंटल राइट के रूप में इसको प्रोवाइड कराया गया है, और यहां पर आर्टिकल 43B में आप लोगों को देखने को मिलेगा इसको ऐड किया गया है कि किस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी को यहां पर एक तरीके से प्रमोशन किया जा सकता है, इसको यहां पर डीपीएसपी में भी इसको ऐड किया गया है। और अगर बात की जाए इससे रिलेटेड सारे आर्टिकल्स कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे पार्ट 9A के तहत, वो पार्ट 9B के तहत। पार्ट 9A में क्या आता है, पार्ट 9A में आप लोगों को देखने को मिला, हम लोगों ने डिस्कस किया था म्यूनसिपैलिटीज, तो म्यूनसिपैलिटीज आप लोगों को देखने को मिली जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आप लोगों को देखने को मिला, ये अमेंड करके यहां पर पार्ट 9A में ये इसको डाला गया। पार्ट 9A में जो आर्टिकल्स आते हैं वो आप लोगों को यहां से इससे पहले नजर आते हैं। अब जो इससे बाद का आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 243, हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्लियामेंट के लिए भी, और यहां पर जब पार्लियामेंट के बाद म्यूनसिपैलिटी डिस्कस की थी तो वहां पर भी आप लोगों को ये देखने को मिला था, तो उसी वाले पोर्शन में आप लोगों को नजर आएगा इसका एडिशन यहां पर किया गया है। तो आर्टिकल 243 ZH से आर्टिकल 243 ZT तक जितने भी आर्टिकल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे वो सारे आर्टिकल्स हैं यहां पर कि किस तरीके से जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो वर्क करने वाली हैं हमारी कंट्री में, तो पूरा प्रोविजन आप लोगों को यहां पर इनके खिलाफ देखने को मिलेगा, जो भी बातें यहां पर लिखी गई है इनके लिए किस तरीके से इनको क्रिएशन किया गया है। तो क्या क्या बातें यहां पर नजर आएगी, क्या क्या कोऑपरेटिव की डेफिनेशंस है आप लोगों को देखने को मिलेगा 243 ZH के तहत, फिर किस तरीके से इनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, नंबर ऑफ मेंबर क्या है, टर्म्स क्या क्या होनी चाहिए, ऑफिस क्या क्या किस तरीके से बनाते हैं, मेंबर्स का इलेक्शन कैसे करना है, इन लोगों को किस तरीके से यहां पर इंटरिम मैनेजमेंट इन लोगों को बनाना है, जब यहां पर कमाई जो भी होगी इनका आप लोगों को मैंने बताया था उदाहरण देखिए, अगर कोई कमाई करेंगे तो अगर उसमें कोई घोटा उसमें कोई धोखा धड़ी ना हो तो उसका ऑडिट भी यहां पर किया जाएगा, किस तरीके से सेंट्रल बॉडी की यहां पर मीटिंग होगी इसकी, मेंबर्स के क्या क्या राइट्स रहेंगे, तो ये कई सारी बातें आप लोग क्या क्या अगर कोई कुछ गड़बड़ की जाती है ऑफेंस या फिर क्या क्या उनकी पेनल्टीज यहां पर देखने को मिलेगी, तो ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी, और क्या क्या इनके एप्लीकेशन यूनियन टेरिटरी में हो सकता है और क्या क्या एग्जिस्टिंग क्या क्या एग्जिस्ट लॉ है इनके लिए और किस तरीके से इनको कंटिन्यू यहां पर किया जा सकता है, तो ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी इन आर्टिकल्स के तहत। तो ये सारे आर्टिकल्स आप लोग यहां पर थोड़ा सा एक बार माइंड में को निकालेंगे तो सारे चीजें पता चल जाएंगे कि कोऑपरेटिव्स के तहत क्या क्या बातें यहां पर आती हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इसके, एक बार उस पर थोड़ा नजर डाल लीजिए आप लोगों को पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो यही है वॉलंटरी एसोसिएशन है, मतलब किसी को जोर जबरदस्ती करके यहां पर नहीं लाया जाता था, अपने आप आता है यहां पर, जिसको जुड़ना चाहे अपने आप यहां पर जुड़ता है, ओपन मेंबरशिप है, ऐसा नहीं है कि यहां पर किसी को जोड़ा नहीं जा सकता, जो चाहे यहां पर आकर जुड़ सकता है, एक ओपन मेंबरशिप आप लोग यहां आकर देखने को मिलती है। सेपरेट लीगल एंटिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, मतलब एक अलग से कानूनी इकाई है, ये नहीं है कि कोई लॉ बना दिया गया है और उस लॉ के तहत इसको एक्सटेंड किया गया है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी, एक सेपरेट कानूनी इकाई आप लोगों को देखने को मिलेगी। लिमिटेड
लाइबिलिटीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये नहीं कि यहाँ पर सारी चीजें इन्हीं के ऊपर थोप दी गई है, मतलब एक तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। सर्विस मोटिव रहता है किस तरीके से अपना सर्विस ये प्रोवाइड कराना है उस पर फोकस देकर चला जाएगा। सरप्लस जो भी होगा किस तरीके से उसको डिस्पोज किया जाएगा, मतलब जितना भी यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। एक डेमोक्रेटिक फॉर्म की आप लोगों की सोसाइटी नजर आएगी, तो सारी चीजें आप लोगों यहाँ पर प्रॉपर वे में नजर आएंगी, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म में सारी चीजें चलती हुई नजर आएंगी। और यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था ऑडिट के बारे में भी जिक्र किया जाता है जब बात आती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, तो ये कुछ बातें इसके बारे में जो आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। आइए अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा तो आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो बात की जा रही है सबसे पहले आप लोगों को पार्ट 9B में आप लोगों को याद रखना है 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में करके इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो इसकी जब बात आती है तो यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वो एक तरीके का कॉमन यहाँ पर प्रोविजन बना सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए कि किस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म की जानी है, क्या क्या उसके लिए चीजें हो सकती हैं, क्या क्या बातें हैं, वो सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, सेकंड बात आती है नंबर और मेंबर की टर्म्स क्या होती है, तो ये बात जब यहाँ पर निकल कर आती है तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा टोटल जो यहाँ पर मैक्सिमम टोटल यहाँ पर मेंबर की बात की जाती है, टोटल यहाँ पर 21 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो बात की जा रही है जो बोर्ड होता है, जो ऑफिस होता है, एक तरीके से डायरेक्टरेट की बात की जा रही है जो यहाँ पर इसको कंट्रोल करेगा और इसको चलाएगा, तो टोटल 21 मेंबर यहाँ पर मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इन 21 में भी कहीं ना कहीं आप लोगों को रिजर्वेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक SC, एक ST, 2 वुमेन, ये यहाँ पर एक कंपलसरी प्रोविजन है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर यहाँ पर 21 मेंबर रहते हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके आप लोग यहाँ पर प्रोविजन आप लोगों के सामने निकल कर आएगा इसके यहाँ पर मेंबर से रिलेटेड, जो कि यहाँ पर ये बोर्ड ऑफ मेंबर की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स की बात की जा रही है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को यहाँ पर एक तरीके से कंट्रोल करके चलेंगे, डायरेक्ट करके देख लेंगे या फिर डायरेक्शन देंगे, मैं अगर दूसरे मोटे मोटे वर्ड में बताऊं तो एक तरीके डायरेक्शन देते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर बात करें अगर टाइम पीरियड की तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा 5 साल यहाँ पर टाइम पीरियड रहता है बिफोर इनका जो टाइम पीरियड यहाँ पर एक्सपायर होने वाला होता है, जो यहाँ पर ऑलरेडी जो मेंबर एग्जिस्ट करते हैं उससे पहले यहाँ पर नए मेंबर के यहाँ पर इलेक्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो जो यहाँ पर कंट्रोल करके चलता है, सुपरविजन करके चलता है, तो उस बोर्ड की यहाँ पर बात की जाए उससे पहले एक्सपायर होने से पहले यहाँ पर इनका इलेक्शन कर लिया जाता है, नॉर्मली 5 साल आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है, तो ये पूरा कंट्रोल करेगा किस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, पूरा इसके ऊपर इसका कंट्रोल नजर आएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर इसका सस्पेंशन भी किया जा सकता है, जो बोर्ड होता है जो यहाँ पर कंट्रोल करता है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। अगर सस्पेंड किस लिए किया जा सकता है, अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो अपनी ड्यूटी को ढंग से फॉलो नहीं कर रहा है, जो प्रोविजन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं किनके प्रोविजन के हिसाब से काम करते हैं, अगर उसके हिसाब से कोई काम करते हुए नहीं पाए जा रहे हैं, अगर अपनी ड्यूटी को नेग्लेक्ट करते हुए पाए जा रहे हैं, अगर अपने ऑफिस में कोई डिफॉल्ट इनके ऑफिस में पाया जाता है काम करने में, वो सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन जो सस्पेंशन रहेगा ये मैक्सिमम 6 मंथ का रहेगा, उससे पहले नया यहाँ पर इलेक्शन करा के नए मेंबर यहाँ पर लाने की कोशिश की जाएगी, तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखें, सस्पेंशन भी इसका हो सकता है अगर प्रॉपर वे में जिस तरीके से इसको फॉर्म करने की बात की गई है उस तरीके से यहाँ पर वर्क नहीं कर रहे हैं। ओके, तो 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर आप लोगों को इलेक्शन देखने को मिलेगा, और इलेक्शन के साथ साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा जल्दी से जल्दी कि किस तरीके से यहाँ पर जल्दी से जल्दी एक नया बोर्ड आ जाए यहाँ पर जो कि आराम से प्रॉपर वे में वर्क करे। नेक्स्ट बात की जाती है ऑडिट रिपोर्ट की, कितना पैसा कमाया जा रहा है, कहां कहां से धन इनके पास में आ रहा है और किस तरीके से उस धन का यूज किया जा रहा है, वो सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ऑडिट यहाँ पर किया जाएगा इसका कंप्लीट, और जिसकी ऑडिट रिपोर्ट निकल कर आएगी वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने जाएगी, यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखा जाएगा, वो उसको एनालाइज करेंगे, एनालिसिस का देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कोई उल्टे सीधी गलती या कोई प्रोविजन यहाँ पर उल्टा सीधा तो नहीं है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर प्रोविजन सामने नजर आएंगे, तो प्रॉपर एक इंडिपेंडेंट ऑडिट आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो ये भी बात आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। और जिस तरीके से बात कर रहे थे हम लोग पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के टाइम पर भी हम लोगों ने जिक्र किया था इसके बारे में कि उनकी मीटिंग्स होनी चाहिए, अगर मीटिंग करेंगे तो तभी अपने जो आसपास के एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है उनको डिस्कस किया जाएगा, तभी देखा जाएगा यहाँ पर प्रॉपर वे का डिस्कशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है 6 महीने के अंदर कम से कम मीटिंग होनी चाहिए, तो 6 महीने के अंदर अगर मीटिंग हो रही है तो लगभग साल में 2 मीटिंग तो लगभग यहाँ पर इसकी बॉडी की होनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए क्या क्या काम चल रहे हैं, कहाँ कहाँ पर गड़बड़ है, कहाँ कहाँ पर ये चीजों को सही कर सकते हैं, तो एक लार्ज स्केल पर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक टाइम डिफाइन किया गया कि लगभग 6 महीने में तो मीटिंग होनी ही होनी चाहिए जिसके बेस पर ये वर्क करती हुई नजर आएंगी। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा राइट ऑफ द मेंबर्स टू गेट इन्फॉर्मेशन, मतलब जो मेंबर्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करानी पड़ेगी, कहाँ कहाँ से कितनी अर्निंग हो रही है, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर कोई भी मेंबर यहाँ पर चाहता है कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंबर्स को प्रोवाइड कराई जाएगी। रिटर्न्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा जिस तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है ऐसे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जब रिटर्न्स फाइल किया जाएगा विद इन 6 मंथ आप लोगों को देखने को मिलेगा, एवरी फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर रिटर्न्स फाइल किया जाता है।
ठीक है। तो उसके सीट में आप लोगों को देखने को मिली एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट की जाएगी, ऑडिट यहाँ पर अकाउंट का देखा जाएगा किस तरीके से यहाँ पर रहा, क्या सरप्लस रहा, क्या सारी चीजें रही वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले, क्या क्या अमेंडमेंट यहाँ पर 2,00,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर देखने को मिले, क्या क्या डिक्लेयर किया गया यहाँ पर सोसाइटी के अंदर, क्या क्या मीटिंग हुई, क्या क्या इनके बिजनेस हुए कंडक्ट यहाँ पर, वो सारी बात देखने को मिलेगी, क्या क्या चीजें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन रजिस्टर की गई, क्या क्या बात यहाँ पर प्रोविजन और स्टेट टैक्स के अंदर यहाँ पर देखने को मिली। तो पूरा आप लोग बोल सकते हैं एक एक पूरा खाका तैयार किया जाएगा जिसके तहत यहाँ पर बातों को देखने को मिलेगा, एक पूरा एक खाका तैयार करके यहाँ पर एक रिटर्न फाइल किया जाएगा आप लोग बोल सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के सामने, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाती है आप लोगों को, अगर यहाँ पर कोई ऑफेंस किया जाता है तो उसकी पेनल्टीज भी देखने को मिलेंगी। तो ये तो बात है कि म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, अगर म्यूचुअल बेनिफिट में कोई भी उल्टी सीधी हरकतें की जाएगी तो उसके ऊपर भी यहाँ पर पाबंदी लगाई गई है। तो प्रॉपर वे में सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है कि किस तरीके से यहाँ पर अगर कोई उल्टी सीधी हरकतें पाई जाती है तो किस तरीके से उसका निवारण यहाँ पर किया जाएगा। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी आप लोगों को देखने को मिलती है, तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रोविजन आप लोगों के सामने निकल कर आएगा, और किस तरीके से यूनियन टेरिटरी में इसको इंप्लीमेंट करना है ये सारी बातें सेंटर के ऊपर डिपेंड करती है। ये बात हम लोगों ने डिस्कस करी थी जिस टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूनियन टेरिटरी के बारे में, पंचायत जज सिस्टम की बात आ रही थी। जब यूनियन टेरिटरी की बात आती है तो आप लोग वर्ड देख सकते हैं यूनियन लगा हुआ, इससे पहले मतलब सेंटर यहां पर कंट्रोल करके चलता है, क्या क्या यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्या क्या बातें होनी चाहिए, वो सारी बातें यहां पर सेंटर के हाथ में चली जाती है जब बात आती है यूनियन टेरिटरी की। और यूनियन टेरिटरी हमारी कंट्री में 7 है, 7 में से आप लोगों को देखने को मिलेगा 2 यूनियन टेरिटरी, एक तो पुडुचेरी और दूसरी आप लोगों को दिल्ली देखने को मिलेगा, उसका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है तो खुद अपने लाभ बनाता है, ठीक है। पर लेकिन अगर यहां पर बात आ जाती है अगर सेंटर कुछ करना चाहे तो वो कर सकता है, उसको भी बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे दूसरी यूनियन टेरिटरी है। ऐसा नहीं है कि यहां पर इनको लेजिस्लेटर पावर दे दी गई है तो इनको इतनी ज्यादा पावर दे दी गई है, सब अपने डिसीजन खुद से ले सकते हैं, ओके। बाकी यहां पर जो भी प्रोविजन आएगा वो यूनियन के अंडर में ही आएगा, तो अंडर सेंटर के कंट्रोल करती हुई नजर आएंगी। कंटिन्यू एग्जिस्टिंग लाभ, अगर 1907 अमेंडमेंट आया हमारी कंट्री में 2011 में आप लोगों को देखने को मिला, इससे पहले अगर कोई लॉ यहाँ पर कंटिन्यू चला आ रहा है और वो यहाँ पर जो प्रोविजन चेंज किया गया 97 अमेंडमेंट के तहत अगर इसके हिसाब से काम कर रहा है तो उसको यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। पर लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 1 साल का टाइम यहाँ पर दिया जाता है नॉर्मली, अगर कोई पुराने लॉ चले हुए आ रहे हैं तो 1 साल का टाइम दिया जाता है कि जो नए यहां पर अमेंडमेंट करके आए हैं, जैसे 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया तो नए अमेंडमेंट के तहत अब आप इसको चेंज कर दीजिए और आने वाले हिसाब से उस तरीके से इसको इंप्लीमेंट कीजिए ताकि आने वाले हिसाब से इसको ढंग से देखा जा सके। तो ये बात भी आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। तो 2011 में जो अमेंडमेंट करके आ गया, 1 साल का टाइम दिया गया, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 2012 तक लगभग इसको यहाँ पर टाइम दिया जाता है कि 2012 तक आप लोग नया अपना 1 साल है आपके पास में उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिस तरीके से भी आप इसको चाहे, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड भी नजर आता है। एक ये और लास्ट में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2011 में आप लोगों को देखने को मिला, कंप्लीट फ्रेमवर्क तैयार किया गया किस तरीके से हमारी कंट्री में कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए, किस तरीके से वर्क करना चाहिए, कैसे उनका इलेक्शन होना चाहिए, सारी बातें यहां पर आप लोगों को देखने को मिला जो आर्टिकल फ्रेमवर्क यहां पर तैयार किया गया उसके तहत। इसके बाद में आप लोगों को यह इन्फॉर्मेशन जरूर पता होनी चाहिए ये क्या है यहां पर कि कहां पर इनको रखा गया है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 3 तरीके की लिस्ट हमारी कंट्री में होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कंकरेंट लिस्ट होती है। इसके ऊपर भी कंप्लीट लेक्चर बना चुका हूं कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं क्या क्या, वो सारी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस की थी। सेंट्रल लिस्ट में सेंटर यहां पर लाभ बना सकता है, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं उस पर स्टेट लाभ बना सकता है, कंकरेंट लिस्ट में दोनों लाभ बना सकते हैं। पर लेकिन अगर सेंटर लाभ बना देता है तो सेंटर का लॉ स्टेट लॉ से ज्यादा ताकतवर माना जाएगा, यहां पर उसके लॉ को ज्यादा मान्यता यहां पर दी जाएगी। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टेट लिस्ट के तहत एंट्री 32 में आप लोगों को देखने को मिलेगा 7th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के बात की गई है यहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आप लोगों को यहां पर इसके बारे में पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए डायरेक्ट बन सकता है। तो इस तरीके की बातें कम से कम आप लोगों को जरूर पता होनी चाहिए, ओके। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट लेक्चर। आप नेक्स्ट देखते हैं कौन सा लेक्चर आप लोगों को स्टार्ट करवाना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। वैसे आप लोगों का पार्लियामेंट बचा हुआ है, पहले उसी पे फोकस कर लेते हैं, जल्दी से पार्लियामेंट को देख लेते हैं, ओके। अब देख लेते हैं एक बार क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिला कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, हम लोगों ने देखा कहां से निकल कर आई है। नेक्स्ट आप लोग यहां पर क्या क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज की डेफिनेशन होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फीचर्स आप लोगों को यहां पर देखने को मिले। नेक्स्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिला क्या क्या इसके बारे में बातें हैं, क्या क्या यहां पर एक प्रॉपर वे में इसकी वर्किंग होती है, ये सारी आप लोगों को देखने को मिली। और लास्ट में आप लोगों ने डिस्कस किया इसके बारे में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर इसको किस एंट्री के तहत रखा गया है। तो ये था हमारा लेक्चर। लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों क्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और देखिए थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है अभी, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए। कल मैं लेक्चर नहीं ला पाया था उसके लिए सॉरी, और आज भी थोड़ा लेट हो गया है, ओके। पर लेकिन आप लोग अगर जिस दिन मेरा लेक्चर ना आया करे किसी रीजन की वजह से, आप लोग पुराने लेक्चर्स का रिवीजन कर सकते हैं। लगभग 100 से 120 130 से ज्यादा लेक्चर हो चुके हैं आपके पास है पॉलिटी के। सारे लेक्चर्स के लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, या फिर आप लोगों को यहां पर भी लास्ट में आप लोगों के सामने आ जाएगा पॉपअप करके लिंक, आप लोग उस पर भी लिंक पे क्लिक करके
सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को सेव कीजिए और पोलिथीन का कम से कम यूज कीजिए, ओके, और मिलजुल कर रहिए। बाकी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज, राज्यसभा की न्यूज और भी कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसका भी लिंक आप लोगों को वीडियो के जस्ट नीचे मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।